दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा करनाल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला प्रशासन को किसानों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता मायावती के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपकर किसानों के समर्थन में विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बहुजन समाज पार्टी किसानों के समर्थन में उतर चुकी है एवं किसानों द्वारा जो मांगे लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है वह जायज है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ प्रीति कादर। करनाल में हम मौजूद हैं। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 6-7 दिन से, उसको आज करनाल में सपोर्ट करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से लोग आए हुए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी है, वो है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्यों इकट्ठा हुए हैं सबसे पहले यही बताओ। मैडम जी, मेरा नाम रामदास करनवाल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी करनाल। आज आदरणीय बहन माया जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसको समर्थन देने के लिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे करनाल के अंदर जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी हैं, किसानों का हम समर्थन करने के लिए आई हैं। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार, केंद्र में सरकार और जो हरियाणा में सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, उनको पता लगेगा। क्योंकि किसानों ने, उन्होंने तो खड्डे किसानों के लिए खोदे थे, लेकिन खुद इनके द्वारा खोदे गए खड्डे इन बीजेपी सरकार ने जो खुदवाए, ये बीजेपी सरकार उसमें गिरने वाली है। और बीजेपी सरकार हरियाणा में और केंद्र में ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि देश का अन्नदाता जो किसान है, अगर उसकी समस्या, जो जैनवन समस्या, जो 3 अध्यादेश इन्होंने पारित किए उनके खिलाफ, तो आज बहुजन समाज, पूरी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर हम किसानों का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सर, कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं सरकार ने। ये सरकार तो निकम्मी है, वो तो करेगी आदरणीय साथियों, लेकिन उन मुकदमों से कुछ नहीं होगा। और जो जन आंदोलन है, हर मतलब जैसे कोई व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं और जो ट्रक यूनियन, ये जितने भी यूनियन हैं किसानों के पक्ष में आज खड़े हो रहे हैं, इन आंदोलन मतलब जो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की 100 रुपए में जो है इसमें आंदोलन में शामिल लाई गई है, ऐसा है। मैं, वो लेडीज है, उनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, उनको नॉलेज नहीं है कि मतलब कैसे जो किसान है अपने घर से 2-2, 3-3 महीने का राशन लेकर वो गए हैं और उनके साथ किसान मजदूर सभी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। ये भीड़ मतलब किराए की भीड़ नहीं है, वो अपने पैसों के द्वारा, अपने समय के द्वारा और अपना राशन पानी लेकर वहाँ पर गए हैं। आपको क्या लगता है सर, कितने दिन तक किसानों को और आंदोलन करना पड़ेगा, कब तक उन्हें? जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, बहुजन समाज पार्टी और किसानों के साथ खड़ी रहेगी और कंधा से कंधा उनको मतलब हम सपोर्ट करते रहेंगे। एक और नेता, अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, इधर लोकसभा प्रभारी मेरे से कानून से कर लो। ओके सर, सबसे पहले आप ही बताइए कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ बहन जी, ये लोग नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सभी लोकसभा जो अपना बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार आज हम किसान आंदोलन के समर्थन में एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देने के लिए आए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप में जो है किसानों का समर्थन करती है। सर, 6 दिन से चल रहा है आंदोलन, आप आज आए हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि 6 दिन से आप कहाँ थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहन जी का जब जैसे आदेश हम लोगों को आया, तुरंत प्रभाव से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आज के बाद बहन जी के आदेशानुसार पूर्ण रूप में हम किसानों के साथ खड़े हैं। हर तरह से, जब तक किसानों का को जो है हर तरह से मांगे नहीं मान ली जाती, हम जो है किसानों के साथ खड़े हैं। हर तरह की बात जब उनकी मान ली जाएगी, तभी हम बहुजन समाज पार्टी पीछे हटेगी, तब तक पीछे नहीं हटेगी।
लोकसभा प्रभारी रणबीर सिंह पाल जी। सर स्वागत। अभी एक सेकंड के लिए मैडम, अभी आपने कहा भाई 6 दिन हो गए आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप लोग आ जाए। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिनों से तो छुट्टियां हैं, और जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, आदरणीय बहन माया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से भी, और हमारे को लिखित में भी बहन मायावती जी ने आदेश दिए थे, इसलिए आज 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद हम आ जाए हैं ज्ञापन देने के लिए। माननीय रणबीर पाल जी, सर आपसे सवाल ये है कि अनिल विज जी का अभी बयान आया था कि जो किसान है वो खेतों में ही अच्छे लगते हैं, आंदोलन पर अच्छे नहीं लगते, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रणबीर सिंह पाल, लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, विज जी क्या कह रहे हैं भाई, किसान खेत में अच्छे लगते हैं, यानी वो नहीं चाहते किसान को पता चले आंदोलन किसे कहते हैं, या फिर आधिकारिक मतलब अपना अधिकार कैसे मांगा जाता है, ये तो उनकी गलत बात है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहकर ठीक नहीं किया, और बहुजन समाज पार्टी इसका भरपूर समर्थन करती है कि जितना किसान आंदोलन करेगा हम उनके साथ पूरा, जितने दिन वो चाहे 1 महीना चलाएं, 2 महीने चलाएं, चाहे 6 महीने चलाएं, कंधे से कंधा मिलाकर तन मन और धन से, यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की 3रे नंबर की पार्टी है। और पूछे कुछ आज ज्ञापन देने पहुंचे? हाँ, जी हाँ, हमने अपने साथियों के माध्यम से, सभी पदाधिकारियों के माध्यम से, एक एक वर्कर के माध्यम से हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम उसमें अपनी मांगे लिखी है कि किसानों की मांगे पूरी करती जाए, हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो, हमने स्पेशल नारा दिया है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी साथी बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने कहा कि ये जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, चाहे वो 2 महीने चले, 4 महीने चले या 6 महीने चले, ये तब तक उनका पूरा पूरा साथ देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका ध्यान, समाचार एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.